नमस्ते। इंडियन कुकिंग रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की फेमस रेसिपी खमन ढोकला। तो देखते हैं खमन ढोकला ये किस तरह से बनाया जा सकता है। ये मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया है। ये बेसन को मैंने छन्नी से छान लिया है और इसमें से सब गुठलियाँ निकाल दिए। ऐसा करने से खमन जो है वो अच्छे से पफ हो जाता है। पानी लिया है 1 ग्लास। अदरक लहसुन पेस्ट लिए हैं 1 चम्मच। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा इनको पीस लिया है। 3 चम्मच मैंने शक्कर ली है। आधा चम्मच मैंने नींबू पाउडर लिए हैं जिसको कि साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। ये मैंने आधा चम्मच लिया है। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप उसकी जगह पे 3 चम्मच नींबू का जूस भी ले सकते हैं। ये स्वादानुसार मैंने नमक लिया है। ये मैंने 1 चम्मच इनो लिया है। आप इनो के जगह पे खाने का जो सोडा आता है जिसको कि मीठा सोडा भी कहा जाता है वो आप 1 चम्मच ले सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया लिया है। थोड़े से मैंने सरसों सरसों के दाने लिए हैं। जीरा लिया है मैंने 2 चम्मच और ये हरी मिर्च 2 मैंने काट लिए हैं। ये मैंने सरसों जीरा और हरी मिर्च ये तड़का लगाने के लिए लिया है और एक पैन में थोड़ा सा तड़का के पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है। खमन का बैटर बनाने के पहले मैंने एक गैस के ऊपर ये खमन का पैन रख दिया है। इसमें मैंने आप देख सकते हैं कि ये आधा आधा भरा हुआ है पानी से। आप अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे एक पतीली में पानी ले सकते हैं और उसको भी आधा ही रखना है। और उसके ऊपर जो प्लेट रखनी है वो 6 से 7 इंच की रखनी है, इस तरह की। आप ये मैंने इसकी पैन की प्लेट ली है। आपके पास जो अवेलेबल है वो प्लेट में आप बना सकते हैं। खमन ये किसी भी प्लेट में अच्छा ही बनेगा पर वो वजन में थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए। और जो पानी लिया है वो जित कौन सा भी बर्तन लोगे उससे आधा आधा ही पानी रखना है। अब हम पहले ये पानी उबालने के लिए रख देंगे क्योंकि खमन ये तभी पफ होता है जब पानी पानी में से स्टीम बाहर आने लगे और वो बाफ पे ही बनता है। इसलिए पानी को अच्छे से गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया। अब हम ये जो खमन है उसका हम घोल बनाएंगे। ये जो मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और जितना 1 कटोरी मैंने ये लिया है बेसन तो 1 कटोरी ही हम इसमें पानी मिलाएंगे। इससे ज़्यादा भी लेना नहीं है और कम भी लेना नहीं है। अगर ऐसे लगे कि ये बेसन में पानी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा कम लग रहा है पानी तो पैन ही ऐड कर देते हैं। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने बेसन लिया है उतना ही पानी लेना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जो गुठलियाँ हैं वो सब इस तरह से इसको मिटा देंगे। अब इसमें से सब गुठलियाँ निकल चुकी हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है 1 चम्मच वो उसमें मिक्स कर देंगे। और अभी ये स्वादानुसार नमक लिया था वो भी मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद ये साइट्रिक एसिड आधा चम्मच लिया था वो भी मिक्स कर देंगे। और ये शक्कर मैंने 3 चम्मच ली थी वो भी मिक्स कर देंगे। और इसको अच्छे से वापस से फेंट लेंगे। अब लास्ट में क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्योंकि अभी तक हमारा पानी है अच्छे से उबला नहीं है। और ये पानी अच्छे से उबल जाए, उसमें से वाफ जो है वो बाहर आने लगे तभी हमें इसको बनाना है। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये बैटर रेडी है। ये कितना पतला बना है ये आप देख सकते हैं। अभी ये पानी जो है ये हमारा पूरी तरह से उबल चुका है, इसमें से भाप भी बाहर निकल रही है। कभी भी खमन बनाते टाइम ये ध्यान देना है कि पानी अच्छे से उबालना ही, ठंडे पानी में खमन नहीं लगाने हैं, नहीं तो वो अच्छे से पफ नहीं होते, फूलते नहीं हैं। अब ये जो ये बर्तन मैंने लिया है प्लेट,
उसको हम चारों तरफ से अच्छे से तेल लगा देंगे क्योंकि खमन आपस में इससे चिपकेगा नहीं। और ये जो बेटर मैंने लिया है इसको हम अब लास्ट में इनो ऐड करेंगे क्योंकि इनो ऐड करने के बाद ये फूलता है और फूलने के बाद इसको तुरंत प्लेट में डालना पड़ता है। अब हम मैंने इसमें इनो डाल दिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी इसके ऊपर से इस तरह से डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये फूल रहा है और अभी इसको अच्छे से फेंटना है जब तक ये पूरी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए और ये फूले नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करना है, पानी बहुत थोड़ा सा, इनो के ऊपर पानी जो है वो बहुत थोड़ा सा डालना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, बस 1-2 चम्मच छोटे। अब हमारा ये अच्छे से फूल चुका है, अब हम इसको ये इस प्लेट में डाल देंगे। गैस कम कर देंगे और ये प्लेट को इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब हम इसका ढक्कन अच्छे से पैक कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट, 5 से 6 मिनट के लिए ही रखना है। 6 मिनट के, अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा रखोगे तो ये फिर फूल के नीचे बैठ जाएगा, इसको नीचे नहीं बैठने देना है, इसलिए इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखना है। और हम अभी 5 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे। अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए रखा था, अब ये हमारा फूल के रेडी हो गया है। इसको हम चाकू के सहायता से इस तरह से देख लेंगे और ये अगर अच्छे से चाकू को गीला नहीं लगे तो समझ लेना कि हमारा खमन रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। और इसको हम अभी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। ये जो मैंने तड़के का पैन लिया था उसको हम गरम करने के लिए रख देंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे, उसके बाद 1 चम्मच जीरा और ये मैंने थोड़ा सा हींग लिया है वो इसमें हम डालेंगे और साथ ही जो मैंने हरी मिर्च काट के रखी है वो भी डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। और अब जब ये तेल ठंडा हो जाए तब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालना है क्योंकि जब भी हम कभी खमन खाते हैं बाहर तो वो थोड़ा सा गीला रहता है, वो इसी कारण रहता है कि उसमें थोड़ा सा तड़के में पानी रहता है। और ये तड़के में सिर्फ मैं पानी डालने वाली हूँ, इसमें शक्कर और नींबू पाउडर नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मैंने बेटर में पहले से ही नींबू और शक्कर डाल दी थी। अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी ज्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही डालना है। अब हमारा खमन इस साइड पे ठंडा हो चुका है, अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे, आपको जैसे शेप में चाहिए छोटा बड़ा इस हिसाब से हम कट कर लेंगे।
अब हमारा ये मैंने कट कर लिया है, अब हम इसके ऊपर ये तड़का डाल देंगे इस तरह से। हरे धनिए से गार्निश करेंगे। अब गार्निश करने के बाद हम ये इसको मसाले को सब जगह पे ऐसे इस तरह से फैला देंगे कि ये तड़का सब जगह पे चला जाए। आप ये खमण को हरी हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।